क्या आप एक डेडिकेटेड इंसान है? क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं डेडिकेशन के साथ काम करता हूं? हेलो दोस्तों, मैं अखिल भायती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच, और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं डेडिकेशन के बारे में। ये टाइम मैनेजमेंट और डेडिकेशन, इनका क्या रिलेशन है? दोस्तों, अगर आपको किसी चीज पर डेडिकेटेडली काम करना है तो उतना टाइम आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहली क्वालिटी एक डेडिकेटेड पर्सन के पास होती है, वो होती है टाइम मैनेजमेंट। या फिर मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप डेडिकेटेड है या नहीं। उसमें कहीं ना कहीं एक टाइम फैक्टर आता है जो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम ये समझ लेते हैं कि अगर हमें किसी चीज के प्रति, किसी काम के प्रति डेडिकेटेड होना है तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज या कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स हमारे अंदर होने चाहिए, इन्वॉल्व होने चाहिए हमारे शेड्यूल में, हमारे हैबिट्स में, जिससे हम डेडिकेटेड बन सके। अच्छा, डेडिकेशन इस वर्ड का एक्चुअल मतलब क्या है? मुझे ये लगता है कि जब कोई इंसान किसी चीज के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है, ये एक हिंदी का मुहावरा है, किसी चीज के पीछे हाथ धो के पड़ जाना, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, ये चीज तो मैं करके रहूंगा, ये चीज मैं करके रहूंगी। जब इस तरह की फीलिंग, इस तरह की इमोशंस हमारे अंदर से बाहर निकलती है किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए, तब हम सोचते हैं कि हम उस काम के प्रति डेडिकेटेड हैं। क्योंकि रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन जब रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं होते फिर भी हम किसी एक चीज पर कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं, तो आप देखेंगे आपका डेडिकेशन वहां पर दिख करके आता है। चलिए उन 5 साधनों पर जाने से पहले जिसके जरिए हम हमारे डेडिकेशन को चेक करें, वहां पर पहुंचने से पहले एक स्टोरी के जरिए समझते हैं कि क्या है एक्चुअली अ डेडिकेशन। ठीक है, स्टोरी अब आपके सामने भी, आपके पास में भी कोई ना कोई ऐसी स्टोरी होगी जहां पे किसी न किसी इंसान ने एक सक्सेस अचीव किया है। मैं आपके सामने जो स्टोरी रख रहा हूं वो है जैक की। जैक जो खुद एक नेचुरल रनर है, जन्म के साथ ही उसको रनिंग करना बहुत पसंद था, ऐसा उसके बारे में कहा जाता है कि एक नेचुरल रनर, मतलब आप उन्हें देखेंगे और बोलेंगे दौड़ो तो उनके दौड़ को आप फील करेंगे कि यार बहुत नेचुरली फ्री होके दौड़ रहा है, ये वाली फीलिंग आपके अंदर आएगी। ऐसा इंसान जैक, जो अपने स्कूल्स में, अपने गांव में, अपने कॉलेज में, अपने स्टेट में डेफिनेटली बहुत सक्सेसफुल था और अच्छे प्राइजेस वो लेकर के आ रहा था, कहीं ना कहीं जैक के मन में ये फीलिंग आ गई थी कि मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकता हूँ, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिसके जरिए मैं पूरी दुनिया में बेस्ट रनर बन के आ सकता हूँ। और वो उसके कोशिश में लग गए लेकिन फेल हो गए। दोस्तों, एक नेचुरल रनर अपने खुद के शहर में रन करना, अपने गांव में रन करना, अपने स्टेट में रन करना भले ही आसान हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनली ओलंपिक जैसे प्रतियोगिता में पार्ट लेना इतना आसान नहीं है। और तब जाकर के जैक को समझ में आया और फिर वहां से कड़ी मेहनत के साथ, कंटिन्यूअसली वर्किंग के साथ, आफ्टर फ्यू ईयर्स, नॉट अ मंथ, कई सालों के बाद जब उन्होंने अपने आप को उस काबिल बनाया, तब जाकर के उनका नंबर लगा ओलंपिक्स में। दोस्तों, जो चीज दिखती सिंपल है वो होती सिंपल नहीं है, और उसके लिए लगता है हमें डेडिकेशन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अपने उस एक चीज को अचीव करने के लिए इस हद तक चले गए कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अचीव करके रहना है, और उसके पीछे आगे उन्होंने कुछ नहीं देखा, बस उनका वो एक ड्रीम था, वो एक गोल था, उसे पूरा करने के लिए वो आगे चले गए। अब हम बात करते हैं उन 5 साधनों की जिनके जरिए आप चेक कर सकते हैं कि क्या आप डेडिकेटेड है, ये आपके लिए हो गया। दूसरा, इन्हीं 5 साधनों से आप आपके टीम के डेडिकेशन को भी चेक कर सकते हैं कि ये 5 पॉइंट्स अगर मेरे टीम मेंबर्स के अंदर है तो वो डेडिकेटेड हैं उन काम को लेकर के। तो चलिए सबसे पहले आप सेल्फ इवेल्यूएशन कीजिए, एक पेपर और पेन लेकर के बैठिए और वहां पर आपको सेल्फ इवेल्यूएशन करना है। 5 पॉइंट में बताऊंगा, आउट ऑफ 20 आपको उन 5 पॉइंट्स पे अपने आप को मार्क्स देने हैं, और आपके जो भी मार्क्स हैं उन मार्क्स को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आपके मार्क्स देख करके जो दूसरे व्यूवर्स हैं शायद वो भी अपने इवेल्यूएशन पे काम करें। जब आपके मार्क्स ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में दिखेंगे तो उनका इवेल्यूएशन करने का मन होगा।
मैं खुद आपके मार्क्स दिखा चाहता हूँ कि आपके कितने मार्क्स हैं, और जैसे ही आप खुद के पॉइंट्स निकाल लेंगे आपके पास इम्प्रूवमेंट करने का रास्ता रोड मैप मिल जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले 20 मार्क्स जो आपको देने हैं वो इस पॉइंट पे देने हैं, और वो पॉइंट है थॉट्स, हमारे विचार। सोच के देखिए कि जिस पर्टिकुलर बिजनेस में काम में आप इन्वॉल्व हैं उनके विचार आपको 80% टाइम आते हैं क्या? थॉट्स, विचार। भले ही आप एक किसी बिजनेस में हो या कहीं पे जॉब कर रहे हो या सर्विस कर रहे हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपके जो थॉट्स हैं वो कहीं और ही चलते रहते हैं। अगर आपके 80% थॉट्स आपके उसी बिजनेस के बारे में आते रहते हैं कि यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे इसमें और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आगे ले जा सकते हैं, अगर यही थॉट्स आपके पास चलते हैं तो मैं कहूँगा आप अपने आप को 20 out of 20 मार्क्स दीजिए अगर 80% टाइम्स आपके वही थॉट्स उसी बिजनेस के लेकर के चलते हैं जिसमें आप आपका डेडिकेशन चेक कर रहे हैं। अगर नहीं है तो कितने परसेंट थॉट्स आते हैं वो देखें और अपने आप को 20 मार्क्स दें, क्योंकि दोस्तों वो जो थॉट्स होते हैं यही ड्राइव करते हैं हमारे एक्शंस को। तो जैसे ही आपके नंबर ऑफ थॉट्स आपके ही डेडिकेटेड बिजनेस या सर्विस या जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं उसके प्रति हो रहे हैं, तो आपके डेडिकेशन के साथ आपके बिजनेस में, आपके काम में और आराम से आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा चेक पॉइंट, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि टाइम एक चेक पॉइंट है, जी हाँ दूसरा चेक पॉइंट है आपका टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है। अगेन यहाँ पर मैं 80-20 फॉर्मूला लगाऊंगा, अगर 80% ऑफ टाइम आपकी इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जिस बिजनेस में आप आपका डेडिकेशन चेक कर रहे हैं, जिस काम में आप आपका डेडिकेशन चेक कर रहे हैं, 80% ऑफ टाइम उनकी एक्टिविटीज में, हो सकता है मीटिंग्स में हो सकता है कोई काम एग्जीक्यूशन में हो सकता है प्लानिंग में हो, एग्जीक्यूशन में हो, जहां कहीं भी हो, लेकिन उस पर्टिकुलर चीज की एक्टिविटी में 80% टाइम आप डेडिकेटेड हैं, तब आप अपने आप को 20 out of 20 मार्क्स दें। अगर नहीं तो जितने भी डेडिकेशन परसेंटेज आप अपने आप को देते हैं वो दें। अगर आपके 3-4 अलग अलग बिजनेस चल रहे हैं तो ये टाइम कंज्यूमिंग कैसे आइडेंटिफाई करना है? क्या आप हर 3-4 बिजनेस को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट टाइम देते हैं? ऐसा जनरली नहीं होता है। जो कोई बिजनेस आपका वेल सेट चल रहा है उसका टाइम आपका कम हो जाता है, और जो अपकमिंग नया चैलेंज है उसके प्रति आपका टाइम बढ़ जाता है। तो वो टाइम 50% 60% कितना है आपके नए चैलेंज के लिए, वो आप आइडेंटिफाई करें और उस टाइम को कैलकुलेट करके आपको अपने आप को 20 मार्क्स दें कि कितना टाइम इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में दे रहा हूं जिसका डेडिकेशन हम चेक कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है एटीट्यूड। दोस्तों अपने एटीट्यूड को चेक करें, जिस किसी चीज का डेडिकेशन आप चेक करने की कोशिश कर रहे हैं उसके प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है। उस पर्टिकुलर काम के प्रति अगर आपके मन में पॉजिटिविटी आ रही है, सिर्फ पॉजिटिव बातें निकल रही है बाहर, तो आप अपने आप को 20 out of 20 मार्क्स दे दीजिए। और अगर आप डेडिकेटेड तो है लेकिन अपने आप से निगेटिव बातें भी करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये होना तो चाहिए लेकिन पता नहीं होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को करने में सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर इस तरह के निगेटिव वर्ड्स ख्याल आपके मन में आ रहे हैं, इसका ये मतलब है आपका डेडिकेशन अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि आपको 20 out of 20 मार्क्स मिले। तो अब आपके पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स को, एटीट्यूड्स को आप ऑब्जर्व करें और अपने हिसाब से 20 आप मार्क्स देना शुरू करें। जो 100% डेडिकेटेड पर्सन है उनका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा, भले ही सामने कोई नेगेटिव चीज़ आ जाए लेकिन एटीट्यूड ये पॉजिटिव ही होगा। या आप चेक कर सकते हैं कोई भी कैसा फ्रेंड जो किसी भी एक संस्था से जुड़ा हुआ हो, कोई भी एक रोटरी लायंस ऐसे संस्था जुड़ा हुआ हो, आप उन संस्थाओं में क्या सारे के सारे काम सही होते हैं? नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा जो गलत होता होगा, लेकिन उस गलती में भी वो जो उस संस्था के प्रति डेडिकेटेड है वो पॉजिटिव बात ही करेगा, कहेगा
कि हाँ ऐसा हो जाता है, लेकिन हम हमेशा ये करते हैं, हम हमेशा ऐसा ऐसा करते हैं। तो ये पॉजिटिविटी जिसे मैं कहता हूँ, वो आपको नज़र आती है जब आप डेडिकेटेड हैं किसी एक चीज़ को लेकर के, किसी एक काम को लेकर के। चौथा पॉइंट, और मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा उलझा हुआ पॉइंट है, लेकिन हम उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। पॉइंट ये है, वैल्यू ऑफ थिंग्स और वर्ड्स। हम क्या बातें कर रहे हैं, हम कौन सी चीज़ें कर रहे हैं और उनकी वैल्यू आपके सामने कितनी है। थोड़ा सा उलझा हुआ पॉइंट है, लेकिन मैं इसे सुलझाने की कोशिश करता हूँ। हम फिर से एग्जाम्पल लेंगे हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे फ्रेंड का। हमारा फ्रेंड वहाँ पर, जहाँ पर वो जा रहे हैं, वहाँ पर जो एक्टिव है, डेडिकेटेड है, उनके वर्ड्स को या उनके कामों को आप ऑब्जर्व करें, उनके काम बता देते हैं कि ये कुछ अलग सोचते हैं, ये अलग करते हैं, और उनके वही काम उनके डेडिकेशन को दर्शाते भी हैं। लेकिन कोई कोई जन ऐसे होते हैं जो हमेशा टांग अड़ाते हैं, कोई भी एक अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ पर टांग अड़ाते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है, ये सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। वो इंसान दिखाते हैं कि मैं डेडिकेटेड हूँ, लेकिन वो बिल्कुल भी डेडिकेटेड नहीं है। वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसा लोग भी ना करें जिनसे वो आगे बढ़ सके। इस तरह से आप आपके वैल्यूज़ को, आप आपके थिंग्स को, आप आपके वर्ड्स की वैल्यूज़ को चेक करना शुरू करें कि कितनी वैल्यू मेरे उन चीज़ों को, उन वर्ड्स को मिल रही है जिनसे मेरा डेडिकेशन सामने आता है। और इस तरह से आप अपने डेडिकेशन को और इम्प्रूव कर सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें ऐसी हो रही है जो मेरे डेडिकेशन से परे है, अलग है। अब आते हैं हमारे आखिरी पांचवे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, जिसे मैं कहता हूँ सक्सेस और सेटिस्फेक्शन। आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसे करने के बाद अगर आप अपने आप को कहते हैं कि हाँ फाइनली हो गया, या आप कहते हैं कि यस वाह हो गया, अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है? एक में मजबूरी है और एक में सेटिस्फेक्शन है। आप आइडेंटिफाई करें कि आप अपने कामों को लेकर के उस सक्सेस को, उस सेटिस्फेक्शन को आप फील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप उस सेटिस्फेक्शन को, सक्सेस को फील नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वो फील हो और हमारा डेडिकेशन हमारे साथ हो। दोस्तों ये थे पांच पॉइंट। अगर आप सक्सेस को फील करते हैं, सेटिस्फेक्शन को फील करते हैं, तो आप 20 में से 20 पॉइंट दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थकावट लगती है, मुझे थोड़ा सा बोर्डम सा लगता है, तो आप उसके हिसाब से पॉइंट्स दीजिए। और आपका जो भी इन पांचों चेक पॉइंट्स का जो भी टोटल है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे बाकी व्यूवर्स को मोटिवेट करेगा कि वो भी अपना चेक करें और अपने खुद के बिहेवियर को, अपने खुद के डेडिकेशन को इम्प्रूव करें। तो लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अब हमारे पास दो रास्ते हैं। जी हाँ, दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, ब्रिंग डेडिकेशन इन योर ऑन गोइंग वर्क। अभी आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपके डेडिकेशन को इम्प्रूव करें। दूसरा रास्ता, वो काम करें जिसके प्रति आप अपने आप को डेडिकेटेड फील करते हैं। आपको अगर लग रहा है कि ये 80% में कुछ और ही कर रहा हूं, तो वो जो कुछ और आप कर रहे हैं ना, उसी में अपने बिजनेस को, अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को आगे लेकर के जाइए, क्योंकि वो काम करने से आप सेटिस्फाइड फील करेंगे और जो सक्सेस है वो अपने आप मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ऐसा आपका एक फ्रेंड है जो डेडिकेटेडली काम करना चाहता है लेकिन अपने आप को इवेल्युएट नहीं कर पा रहा है, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे उत्साह को दो गुना करेगा, तो वो भी करना ना भूलें। मैं अखिल भाईती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच, वापस जल्दी मिलना होगा ऐसे ही अनोखे टॉपिक्स के साथ। अगर आपके मन में कोई टॉपिक चल रहा है तो वो भी लिखें, उस पर सॉल्यूशंस लेकर के मैं बहुत जल्द आपके सामने आऊंगा। गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड।